लेसन टू में वर्ण, इसमें पढ़ा था वर्ण क्या होता है, वर्ण के कितने प्रकार होते हैं, वर्ण के दो प्रकार स्वर और व्यंजन। कल हमने स्वर के बारे में पढ़ा, आज हम पढ़ेंगे व्यंजन के बारे में। व्यंजन क्या होते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वर की सहायता ली जाती है उन्हें हम व्यंजन के नाम से जानते हैं। यानी जब हम स्वर का की सहायता से जिन वर्णों का उच्चारण करते हैं, जैसे का वर्ण उच्चारण करते क और अ, क ख, आ की आवाज का आना, ये क्या है हमारा व्यंजन। व्यंजन के तीन भाग होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और तीसरे होते हैं ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन ये वे व्यंजन होती हैं जो मुख के विभिन्न स्थानों को स्पर्श करते हुए मुख से बाहर आते हैं। यानी कि स्पर्श व्यंजन में जिह्वा मुख के विभिन्न स्थानों को स्पर्श करती है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या होती है 25। सिक्का, च, ट, ता, इसमें जीव हमारी मुंह के अलग अलग भागों से लगती है। जैसे का वर्ग बोलो, क ख ग घ ण, ये कंठ से यानी गले से बोले जाएंगे, जबकि च वर्ग में च, छ, ज, झ, इया, ये तालु, ट, ठ, ड, ढ, मूर्धा। तावर्ग, तावर्ग में दांत और जीभ, त, थ, द, ध, न। लास्ट में पवर, इसमें हम होठों की सहायता से प, फ, ब, भ और म। इसके बाद हमारे रहते हैं अंतस्थ व्यंजन। स्वर तथा व्यंजन के बीच में स्थित होने कारण इन्हें हम क्या कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन। मुंह के किसी भाग को पूरी तरह स्पर्श नहीं करती, यानी उन्हें हम क्या कहेंगे, अंतस्थ व्यंजन। ये हमारे कितने होते हैं, चार, य, र, ल, व। फिर आते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन के उच्चारण में श्वास यानी सांस के तेजी से बाहर निकलने कारण मुख में गर्मी पैदा होती है, यानी ऊष्मा पैदा होती है, यानी हम कहेंगे ऊष्म व्यंजन से श, श, स, ह। इन व्यंजनों के अतिरिक्त भी व्यंजन स्वतंत्र नहीं है बल्कि अन्य व्यंजनों से मिलकर बनते हैं। या जो हम लोगों ने पहले पढ़ा है, हम जानते हैं, होते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन जब एक से अधिक व्यंजनों के मेल से बनने वाले व्यंजन क्या कहलाएंगे, संयुक्त व्यंजन। जैसे क, श, इनको मिला के हमारा क्या बनता है, क, श और आ, इनको मिलाया हमारा बनेगा क्ष, त, आदर, र और अ, त्र, ज, य और अ, ज्ञ, श, र, अश्र। इसके बाद आते हैं हमारे द्वित व्यंजन। जब एक ही व्यंजन का दो बार प्रयोग किया जाता है, पहली बार जब हम प्रयोग करते हैं तो उसमें कोई भी स्वर नहीं होगा, व्यंजन ही रहेगा और दूसरा स्वर के साथ, यानी पहला जो व्यंजन होगा वो स्वर रहित, दूसरा स्वर के साथ बोला जाएगा, वो हमारा होगा द्वित व्यंजन। सिर्फ पत्ती, दूसरे वाले ता के संग हमारी आवाज आ रही है ई स्वर की, बच्चा, पहले वाले च में नहीं आ रही, दूसरे में अ, ये हमारा होगा द्वित व्यंजन। फिर हमारे आते हैं संयुक्त अक्षर। संयुक्त अक्षर जब स्वर रहित व्यंजन का अपने से अलग स्वर सहित व्यंजन से मेल होगा तो उसे हम कहेंगे संयुक्त अक्षर, यानी दो अलग अलग व्यंजनों का मेल। स्वस्थ, विद्या, जिसे हम लिखते हैं सेम। फिर लेखन विधि, लिखने की क्या विधि है, हलंत लगाकर, बिना पाई वाले व्यंजनों में हलंत लगाकर उनका आ रहित रूप लिखा जाता है, जिसमें पाई नहीं होगी। जैसे बुद्धिमान, पाई जानते हैं, जैसे जो एक पड़ी रेखा होती है वो होती है हमारी पाई। जैसे बुद्धिमान, दा में पाई नहीं होती, बा में है तो बा में ऊ की मात्रा लगी और दा के नीचे हमने हलंत लगाया। जैसे विद्यालय, इसमें द पाई रहित व्यंजन है, इसमें द हलंत, दा के नीचे हलंत लगाया तो द आद हो गया विद्यालय। फिर पाई हटाकर, पाई हटाकर जब बिना पाई वाले व्यंजनों को दूसरे व्यंजनों के साथ जोड़कर लिखा जाता है, जैसे पाई हटाकर, पाई क्या बताया, पढ़ी हुई जो हमारी लाइन है वो क्या है,
पाई। अब जब हमने बच्चा लिखा, बच्चा लिखते में चा का हमने ये पाई हटा दी, तो जब हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, इस चा को आगे वाले पीछे वाले चा के साथ में जोड़ दिया गया, तो क्या बनेगा, बच्चा। ऐसे ही विश्व, विश्व लिखेंगे तो वि शा, और अब ये शा की हमने पाई हटा दी यहाँ से, तो क्या बनेगा, ये ऐसे लिखा जाएगा, और जब इसका संयुक्त रूप अपना आएगा तो अक्षर कैसे बनकर आएगा, विश्व। यानी कि जब हम इसको पाई वाले अक्षरों को, तो पड़ी रेखा जो होती है उसकी लाइन को हटा दिया जाता है, तो उसे क्या कहेंगे, पाई रहित व्यंजन। और जब बोलते हैं तो आगे वाले व्यंजन के साथ में इसको बोला जाएगा। घुंडी हटाकर क फा जैसे व्यंजनों के आकार में घुंडी को हटाकर लिखा जाता है, जैसे मकार, दफ्तर, पक्का आदि, जैसे पाई वाला समझा ऐसे ही हम इसको भी समझ सकते हैं। घुंडी हटाकर, जैसे जब हम लिखते हैं का या फा, इनमें ये क्या है, इसके इसको बोलेंगे हम घुंडी। जैसे हमने शब्द लिखा मक्कार, मक्कार लिखने में ये इस वाले जो पहले का आएगा इसकी घुंडी को हम हटा देंगे, तो ये शब्द हमारा आ गया ये इस तरीके से लिखने में। और जब हम बनाएंगे आगे वाले इसका के साथ में इसको जोड़ा जाएगा, अब कैसे बोलेंगे, मकार या फा, हमने लिखा दफ्तर, दफ्तर लिखने में जो हम फा लिखेंगे, फा को आधा करेंगे, तो इसकी घुंडी को हमने यहाँ से हटा दिया और आगे वाले व्यंजन के साथ में इसको बोला जाएगा, तो क्या बनेगा हमारा, दफ्तर। हम देखेंगे वर्ण विच्छेद, वर्ण विच्छेद क्या है, वर्णों के सार्थक मेल से जो शब्द बनते हैं, शब्द के एक एक वर्ण को अलग अलग करके लिखना क्या कहलाता है, वर्ण विच्छेद। जब हम जो शब्द लिखा उसका भी हमने खंडन कर दिया, वर्ण क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसको खंडित नहीं कर सकते, और वर्ण विच्छेद में जो हम शब्द लिखते हैं उसको हम खंडित कर देते हैं, अलग अलग कर देते हैं। जैसे थर्मस, थ प्लस था के संग किसकी आवाज आ रही है, स्वर के साथ, सॉरी व्यंजन के साथ अ की, थ र, र प्लस अ, म स, इनके साथ में किसकी आवाज है, साथ में अ की, तो क्या बनेगा, थर्मस। या किताब, कोई भी शब्द हम ले सकते हैं, किताब, सुमन, थैला, को कोई भी शब्द हम जो लेंगे उसका जब विच्छेद करते हैं तो उसमें से स्वर को अलग अलग कर देंगे, तो हमारा क्या कहलाएगा, वर्ण विच्छेद। कोई भी डाउट है तो आप पूछ लीजिएगा। ओके, थैंक यू बेटा।